Tag TV updates you about corona situation in Canada and around the globe. Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at Tag TV. कंजर्वेटिव पार्टी को मजबूत करना मेरा मकसद है। कनाडा की अपोजिशन जमात की बूढ़ी सरबराह का कहना है कि वजीर आजम बताएं ट्रकर्स के एहतजाज के लिए हुकूमत क्या कर रही है, पार्टी के अगले रहनुमा को जीत के लिए तैयार करेंगे। कैनेडियन वजीर आजम का कहना है कि ट्रकर्स के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए फौज को बुलाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं। ओंटेरियो हुकूमत का कहना है कि टोरंटो आने वाले मुजाहरीन से निमटने के लिए पुलिस तैयार है। फंड रेजर वेबसाइट गो फंड मी ने $1 करोड़ जमा होने के बाद मुजाहरीन का अकाउंट बंद कर दिया। टोरंटो में शदीद सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला जारी, शहर के लिए जारी खसूसी मौसमी वार्निंग ख़त्म कर दी गई। शहर की सड़कों पर फिसलन के सबब मुतअद्दिद हादसात रिपोर्ट हुए। कनाडा की मुसलह फौज ने ऐसे दर्जनों सर्विस मेंबरान को निकाल दिया है जिन्होंने हथियार उठाने और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। महकमा दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक 98% फौजियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। शाम में ऑपरेशन के दौरान दाइश के सरबराह ने खुद को बम से उड़ा लिया। अमेरिका का कहना है कि अबू इब्राहिम ने अमेरिकी फौज की कार्रवाई के दौरान खुद को अहले खाना समेत बम से उड़ा लिया। बम धमाके के नतीजे में दाइश सरबराह समेत 13 अफराद हलाक हुए। यूक्रेन तनाज़ा, अमेरिका ने रूस पर संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया। तुर्क सदर का यूक्रेन का हंगामी दौरा। तैयब उर्दवान का कहना है कि तुर्की तनाज़े को बढ़ाने के बजाय मामले को हल करने में किरदार अदा करना चाहता है। कोरोना वबा और मुतअद्दिद दीगर रुकावटों के बावजूद बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स 2022 का आगाज़। रूसी सदर प्यूतिन बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब के लिए चीन पहुंच गए। आलमी इदारे सेहत के सरबराह अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तकरीब में शरीक होंगे। भारत में कोरोना से हलाकतें 5 लाख से तजावज़ कर गईं। माहिरीन का कहना है कि सरकारी आदादोशुमार के मुकाबले में कोरोना से होने वाली हलाकतों की असल तादाद कई गुना ज़्यादा है। दुनिया भर में 38,90,10,756 अफराद कोरोना वायरस से मुतासर। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर ना ऑयली ना स्टिकी ना बदबू और मुकम्मल अब्सॉर्प्शन और हाथ नरम मुलायम और साफ। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com। कनाडा की सरकारी अपोजिशन जमात की उबूरी सरबराह का कहना है कि उनका मकसद अगले लीडर को ऐसी पार्टी के साथ छोड़ना होगा जो जीतने के लिए तैयार हो। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंजर्वेटिव पार्टी की कायम मकाम सरबराह कैंडिस ब्रिगन का कहना है कि कनाडा की सरकारी अपोजिशन के उबूरी रहनुमा के तौर पर उनका हदफ कदामत पसंद तहरीक को मजबूत करना और अगले लीडर को ऐसी पार्टी के साथ छोड़ना होगा जो जीतने के लिए तैयार हो। कंजर्वेटिव कॉकस ने मैनिटूबा के MP और साबिक डिप्टी पार्टी लीडर को उबूरी सरबराह के तौर पर काम करने के लिए मुंतखब किया जब MPs की अक्सरियत ने एरिन ओटूल को आला ओहदे से हटा दिया था। जबकि कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ कनाडा की जानिब से एरिन ओटूल को वफाकी रहनुमा के ओहदे से हटाने के बाद आला ओहदे पर फाइज होने के लिए एक बार फिर नए चेहरे की दौड़ जारी है। ब्रिगन ने सवाल किया कि क्या वजीर आजम बराह करम कैनेडियन को बता सकते हैं कि उनके ख्याल में हुकूमत क्या किरदार अदा कर सकती है और वो तातुल को हल करने के लिए क्या कर सकते हैं। बर्गन को एक कॉक्स का सामना है जिसने पिछले साल के वफाकी इंतखाबात में शिकस्त के बाद से ओटूल की क़यादत पर मुनकसिम और नाराज़ हफ्ते गुजारे हैं। वो एक ऐसे वक्त में भी किरदार अदा करती है जब इंसदादे वैक्सीन मैंडेट के मुजाहरीन ने ओटावा के शहर को जाम कर दिया है। रात के तमाम घंटों तक हॉर्न बजाकर और बहुत से कारोबार और खिदमात को बंद करने पर मजबूर कर दिया है। कुछ कंजर्वेटिव MPs ने ओटूल पर इल्ज़ाम लगाया कि वो एहतजाज पर वाज़े मौका इख्तियार करने में नाकाम रहे हैं, जबकि बर्गर ने इस ग्रुप को अपनी मुकम्मल हिमायत की पेशकश की है और मुजाहरीन के दरमियान नस्ल परस्ती और हिरासा किए जाने की खबरों को चंद लोगों की कार्रवाइयों के तौर पर मुस्तरद कर दिया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ओटावा में ट्रकर्स के एहतजाज को ख़त्म करने के लिए फौज को बुलाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।
इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि ओटावा में ट्रकर्स के एहतजाज को खत्म करने के लिए फौज को बुलाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है और ना ही उनका शहर की सड़कों पर डेरे डाले हुए चंद सौ मुजाहिरीन के साथ मशगूल होने का कोई मंसूबा है। ऑन्टेरियो हुकूमत ने कहा कि पुलिस इस हफ्ते के आखिर में टोरंटो में होने वाले वैक्सीन के मैंडेट के खिलाफ मंसूबा बंद मुजाहरों से कबल कम्युनिटीज को महफूज रखने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि हम सूबे के दीगर हिस्सों बशमूल ग्रेटर टोरंटो एरिया में मुमकिन मजीद मुजाहरों से आगाह हैं। किसी भी बड़े मुजाहरे की तरह मुकामी पुलिस अपनी बरादियों को महफूज रखने के लिए मुनासिब कार्रवाई करेगी। ओटावा के मरकज में रहने वाले लोग कोरोना वायरस के सेहत आमा के मैंडेट के खिलाफ तकरीबन एक हफ्ते से जारी एहतजाज के तौर पर तैयार हैं। पुलिस चीफ को तश्वीश है कि शायद सिर्फ पुलिसिंग ही नाकाबले बर्दाश्त और बेमिसाल मुजाहरे को खत्म नहीं कर सकती। टोरंटो में शदीद सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ताहम शदीद बर्फबारी की वार्निंग खत्म कर दी गई है, जबकि शहर में 2 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो में शदीद सर्दी और बर्फबारी का सिलसिला जारी है, ताहम शदीद बर्फबारी की वार्निंग खत्म कर दी गई है, जबकि शहर में 2 से 5 सेंटीमीटर तक बर्फबारी का इम्कान है। कनाडा के शहर टोरंटो की सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। शहरी हुकूमत का अमला शहर की सड़कों पर बर्फ छिड़क रहा है, जबकि भारी मशीनरी के जरिए बर्फ को हटाया जा रहा है। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि शहर की सड़कों पर फिसलन के सबब मुतादित हादसात रिपोर्ट हुए हैं। पुलिस ने शहरियों को ताकीद की है कि आप जहाँ कहीं भी हों बहुत एहतियात से गाड़ी चलाएं। अभी भी ऐसे इलाके होंगे जहाँ आपको इजाफी तवज्जो देने की जरूरत है। सड़कें गीली हैं और जमने का खतरा है। टोरंटो में शदीद सर्दी का सिलसिला इस वीकेंड पर भी जारी रहेगा। एनवायरमेंट कनाडा के मुताबिक इस वीकेंड पर कम से कम दर्जा हरारत -7 जबकि ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत -15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने की तवक्को है। कनाडा की मुसल्ह फौज ने ऐसे दर्जनों सर्विस मेंबरान को निकाल दिया है जिन्होंने हथियार उठाने और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा की मुसल्ह फौज ने ऐसे दर्जनों सर्विस मेंबरान को निकाल दिया है जिन्होंने हथियार उठाने और वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया था। ये इकदाम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर के हुक्म के बाद सामने आए हैं कि तमाम फौजी अहलकारों को अक्टूबर के वस्त तक मुकम्मल तौर पर टीके लगवा दिए जाएंगे ताकि मुसल्ह अफवाज को कोविड-19 से बचाया जा सके। बाद अजां आखिरी तारीख दिसंबर के वस्त तक बढ़ा दी गई, जबकि ज्यादातर सर्विस मेंबरान ने हुक्म की तामील की। महकमा दिफा की रिपोर्ट के मुताबिक 98% से जायद कैनेडियन फौजियों ने वैक्सीन लगवाने का इंतखाब किया, सैकड़ों दीगर ने ऐसा नहीं किया। इन फौजियों को अब नौकरी से फारिग किया जाएगा। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा देखने में आ रहा है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक कनाडा भर में कोरोना के मरीजों की मजमुई तादाद 30,82,000 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 34,212 हो गई। मुल्क भर में 28,47,830 से जायद मरीज सेहत याब हो चुके हैं। कनाडा के ऑन्टेरियो सूबे में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज्यादा है। सूबे भर में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की तादाद 10,39,825 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतों की तादाद 11,576 है। कनाडा में कोरोना वायरस के सबब सबसे ज्यादा हलाकतें क्यूबेक सूबे में हुई हैं। सूबे में कोरोना वायरस के मजमू केसेस की तादाद 8,68,437 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस के बायस होने वाली हलाकतों की तादाद 13,336 तक पहुंच चुकी है। कैनेडियन सूबे अल्बर्टा में भी इस मोहलिक वबा में इजाफा देखने में आ रहा है। अल्बर्टा सूबा इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से बहरानी सूरत हाल का सामना कर रहा है। सूबे में 4,98,977 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जबकि 3,593 अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्रिटिश कोलंबिया में केसेस की तादाद 3,27,625 है, जबकि सूबे में कोरोना वायरस से होने वाली हलाकतों की तादाद 2,643 है। शाम में अमरीकी फौज के इंसदाद दहशतगर्दी मिशन के दौरान दाइश के सरबरा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरेशी ने खुद को अहले खाना समेत बम से उड़ा लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाम में अमरीकी फौज के इंसदाद दहशतगर्दी मिशन के दौरान दाइश के सरबरा अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी ने खुद को अहले खाना समेत बम से उड़ा लिया। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक साल 2019 में एक कार्रवाई के दौरान दाइश का पहला रहनुमा जुनेद अल बगदादी हलाक हुआ था, जिसके बाद अब अमरीका ने यह दूसरा बड़ा ऑपरेशन किया और दाइश के दूसरे बड़े सरबरा अल कुरैशी को हलाक किया।
दाइश के सरबरा की हलाकत का ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडन ने आज जुमेरात की सुबह को किया। व्हाइट हाउस इंतजामिया के सीनियर अहदेदार एट ओ कैफी ने बताया कि अमरीकी फौज और दाइश कारकुनान के दरमियान तस्सादुम हुआ, जिसमें अबू इब्राहिम ने अमरीकी फौज की कार्रवाई के दौरान खुद को अहले खाना समेत बम से उड़ा लिया। बम धमाके के नतीजे में दाइश सरबरा समेत 13 अफराद हलाक हुए, जिनमें 4 खवातीन और 6 बच्चे भी शामिल हैं। पेंटागन हुकाम का दावा है कि हलाकतों में एक भी अमरीकी अहलकार शामिल नहीं। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी जॉन कर्बी का अपने बयान में कहना था कि मिशन का इंतजाम सेंट्रल कमांड ने संभाला हुआ था, जो मशरक वस्ती में फौजी ऑपरेशन और दीगर सरगर्मियों की जिम्मेदार है। तुर्क सदर यूक्रेन का तनाज़ा हल कराने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन का हंगामी दौरा भी किया है। कीव पहुंचने पर सदर ने तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन तनाज़े पर इल्ज़ामात की बमबारी का सिलसिला जारी है। अमेरिका ने रूस पर बड़ा इल्ज़ाम आयद कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन पर हमले का झूठा इल्ज़ाम लगाने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए जाली वीडियो तैयार करके इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि यूक्रेन ने रूस पर हमला कर दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि मस्कूरा वीडियो में जालसाजी से रूसी फौजियों की हलाकत भी दिखाई जाएगी। रूस उसी वीडियो को बुनियाद बनाकर यूक्रेन पर हमला कर देगा। उधर तुर्क सदर यूक्रेन का तनाज़ा हल कराने के लिए मुतहरिक हो चुके हैं और उन्होंने यूक्रेन का हंगामी दौरा भी किया है। कैफ पहुँचने पर सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तुर्क सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। बाद अज़ां तुर्क सदर और यूक्रेनी हम मनसब की 1-on-1 मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों मालिक के बाहमी तआवुन में मजीद फरोग के इम्कानात पर गौर किया गया और बैनुल-अक़वामी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तैयब उर्दवान ने वाज़ेह किया कि तुर्की रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकरात कराने के लिए तैयार है। तुर्की तनाज़े को बढ़ाने के बजाय मामले को हल करने में किरदार अदा करना चाहता है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। सरमाई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में माहौलियाती तहफ़ कार्बन के कम अखराज पर मबनी थीम्स शामिल होंगी। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए चीन पहुंच गए। कोरोना वबा और मुतादिद दीगर रुकावटों के बावजूद बीजिंग सुरमई ओलंपिक्स 2022 का आगाज हो रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब बीजिंग के बर्डनेस्ट स्टेडियम में होगी। सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में 20 से ज्यादा आलमी सरबराहान शिरकत करेंगे। चीन में मौजूद वजीर आजम इमरान खान भी सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शरीक होंगे। आलमी इदारे सेहत के सरबरा अक़वामे मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी तकरीब में शरीक होंगे। सुरमई ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में माहौलियाती तहफ़ कार्बन के कम अखराज पर मबनी थीम्स शामिल होंगी। भारत में मोदी सरकार की नाकिस कारकर्दगी के बायस कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज़ कर गई। ये सरकारी आदादोशुमार हैं। अलबत्त माहरीन का कहना है कि हालात शुदगान की हकीकी तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। भारत में मोदी सरकार की नाकिस कारकर्दगी के बायस कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 5 लाख से तजावुज कर गई। ये सरकारी आदाद शुमार हैं। अलबत्त माहरीन का कहना है कि हलाक शुदगान की हकीकी तादाद इससे कई गुना ज्यादा है। भारत में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रही है और सिर्फ 48 घंटों में 1,72,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए हैं, जबकि मजमू तौर पर कोरोना से मुतासर होने वालों की तादाद 4 करोड़ से तजावुज कर गई है। हाल ही में भारत में किए गए एक आज़ाद सर्वे में गुज़िश्ता बरस के वस्त तक ही कोरोना से हलाकतों की तादाद 3 मिलियन तक पहुंच चुकी थी, ताहम मोदी सरकार ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। ये रिपोर्ट उस वक्त मुरतब की गई थी जब भारत में अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची थी और ऑक्सीजन की शदीद किल्लत पैदा हो गई थी, जिसके बायस फुटपाथ पर ही मरीजों की मौत वाक़ हो गई थी। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली अमवात की तादाद 57,20,619 से तजावुज कर गई है। टैक टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी। टैक टीवी अपडेट्स यू अबाउट कोरोना सिचुएशन इन कनाडा एंड अराउंड द ग्लोब। डेली कनेडियन न्यूज बुलेटिन इन हिंदी एंड उर्दू ओनली एट टैक टीवी।